भाई आज हम कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर कौन बनेगा 10 रुपये पति का गेम खेलते हैं। पहले ही आप लोगों को 2 प्रश्न देकर एक विद्यार्थी हम सिलेक्ट कर चुके हैं जिसका नाम है क्रिस, जो कक्षा 5वीं से है। उन्होंने आज ये 10 रुपये का कौन बनेगा 10 रुपये पति को जीत कर यहाँ पहुंचे हैं, तो उनसे हम प्रश्न पूछेंगे। तो कुछ नियम है, मैं आप क्रिस जी को बताना चाहूंगा और आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे। 10 रुपये जीतने के लिए आपको सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा 1 रुपये के लिए। ध्यान से सुनेंगे, जैसे आप उस प्रश्न का उत्तर देते हैं आपको 1 रुपये मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा 2 रुपये के लिए। अगर आप उसका भी उत्तर सही देते हैं तो आप 2 रुपया जीत जाएंगे। तीसरा प्रश्न आपके लिए होगा 4 रुपये के लिए। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न 8 रुपये के लिए और पांचवा प्रश्न 10 रुपये। जैसे ही आप पांचों प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से देते हैं आप यहां से 10 रुपये जीत कर ले जाएंगे। लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर आप गलत देते हैं तो उस प्रश्न में जितनी भी राशि है उसके नीचे वाली राशि आपको मिलेगी। यदि आप एक कोई भी प्रश्न नहीं जान पाते हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाते हैं, तो हमारे जितने भी यहाँ बैठे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं और अभिभावक, उनको आप फोन लगा करके यहीं से पूछ सकते हैं। यदि आप उनके उत्तर को लेकर चलेंगे और उत्तर सही होगा तो उस प्रश्न के में जितना राशि रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो आप तैयार हो इस गेम को खेलने के लिए? जोर से बोलेंगे यस सर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 5वीं से क्रिस को लेकर कौन बनेगा 10 रुपये पति। और सबसे प्रश्न पहला आपके लिए जाता है, ध्यान से सुनेंगे। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, आप 1 ऑप्शन को लाग लगाएंगे। प्रश्न पहला है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? ए 24, बी 25, सी 26 और डी 27। जोर से बोलेंगे 27। डी को लाख कर दिया जाए? कर दिया जाए, डी लाख हो गया। देखते हैं, बहुत ही जोरदार और शानदार उत्तर, जोरदार ताली बजाएंगे क्रिस के लिए। बहुत ही सुंदर, आपने पहला प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप 1 रुपया जीत चुके हैं। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके पहले, आप कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं, आपके कक्षा शिक्षक का क्या नाम है? पैकरा सर। उनके लिए भी हम ताली बजाना चाहेंगे कि आज उनका विद्यार्थी जो है आज कौन बना 10 रुपये पति में पहुंच चुका है। आइए दूसरा प्रश्न 2 रुपये के लिए, ध्यान से सुनेंगे। परसापाली गांव के नजदीक नदी बहती है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, परसापाली गांव के नजदीक में नदी बहती है। ए गंगा, बी यमुना, सी महानदी, डी जोक नदी। सी महानदी। लाख लगा दिया जाए? लगा दिया जाए। सी कंप्यूटर बाबा, देखते हैं। बहुत ही शानदार और लाजवाब उत्तर, सी महानदी। अभी अभी आप 2 रुपया जीत चुके हैं और बहुत ही अच्छा उत्तर आपका, आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे, आपके लिए भी बीच में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसको आपको घर से बनाकर लाना रहेगा, उसमें 1 रुपये का इनाम आपको मिलेगा, ध्यान देंगे इधर। आइए चले जाते हम प्रश्न तीसरा की ओर, जो जिताएगा आपको 4 रुपये। ध्यान से सुनिए आप, अपने माँ के बेटी को कहेंगे, अपने माँ के बेटी को कहेंगे ए भाई, बी बहन, सी बुआ,
दी मा। तीस सेकंड का प्रश्न आया, एक बार फिर दोहराना चाहूंगा मैं, अपने माँ के, खुद के माँ के बेटी को कहोगे आप? ए भाई, बी बहन, सी बुआ, डी माँ। आप नहीं जानते हो तो आप बोल लगा सकते हैं, हमारे बीच हमारे अभिभावक हमारे सर उपस्थित है, अगर जानते हैं तो लाक लगा दिया जाएगा आपके प्रश्न में, आपके उत्तर में। फोन लगाया जाए कि आप बताओगे उत्तर? फोन लगाया जाए। किसके पास फोन लगाएंगे? पैकरा सर। चलिए लगाते हैं। हाँ, यहाँ दो पैकरा सर हैं। आप अपने क्लास टीचर को लगाएंगे कि हमारे दूसरे पैकरा सर जी के पास लगाएंगे? क्लास टीचर के पास। चलिए लगाते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, पैकरा सर, पैकरा सर बोल रहे हैं जी। बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं कौन बनेगा 10 रुपए प्रति से साहू सर बोल रहा हूँ। अभी अभी आपका विद्यार्थी क्रिस जो है हार्ड सीट पर बैठे हुए हैं जी, और उनके लिए एक दुविधा है जी। उनको प्रश्न दिया गया है कि अपने खुद के माँ के बेटी को कहेंगे, ये प्रश्न है जी, अपने खुद के माँ के बेटी को कहेंगे भाई, बहन, बुआ, माँ। हाँ तो आप उन्हीं से बताएंगे? हाँ तो डेफिनेटली उसको बहन ही कहेंगे, माँ की बेटी है तो रिश्ते में अपनी बहन होंगी। ठीक है सर। ठीक है, ओके। बहन, बहन बोल रहे हैं पैकरा सर। क्या आप बहन को लाख किया जाए कि अन्य उत्तर आप देंगे? लाख कर दिया जाए। चलिए बहन को लाख करते हैं। ओहो, आपका उत्तर तो बड़ा सही जवाब। ₹4। अब आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है, आपको बड़े ही सोच सूझबूझ के साथ ये गेम खेलना है। और अगला प्रश्न आपको जाता है ₹8 के लिए। जैसे ही आप सही उत्तर दोगे आप ₹8 आपको मिल जाएगा। यदि आप उत्तर गलत देते हैं तो ₹8 के बजाय आप ₹4 लेकर जाएंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, आपका अगला प्रश्न है, सभी ऑडियंस इधर ध्यान से सुनेंगे। दिन का विलोम है, प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। दिन का विलोम शब्द है रात, ए है रात, बी शाम, सी सुबह और डी दोपहर। रात में ताला लगा दिया जाए? लगा दिया जाए। चलिए कंप्यूटर बाबा, रात में ताला लगा दीजिए आप। बहुत ही शानदार जवाब, ₹8 का गेम। अभी हमारे क्विज कक्षा 5वीं से जीत चुके हैं, तो एक बार फिर जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। अच्छा, जीत कर यहाँ से चले जाते हैं 10 रुपये, तो आप उस पैसे का क्या करना चाहेंगे? यदि आप जीत कर चले जाते हैं यहाँ से 10 रुपये की राशि, तो आप उस राशि का क्या उपयोग करना चाहेंगे? क्या उपयोग करना चाहोगे आप अपने मन से बताइए। अब कुछ खाने के लिए और कुछ खरीदना है। ठीक है, चलिए ताली बजाइए एक बार फिर भैया के लिए। पैसे का उपयोग जो है अपने खाने के और अपने सामान उपयोग के लिए करना चाहेंगे। चलिए आपके लिए प्रश्न आता है, ₹1 के लिए जो आप घर से इसको करके आइए। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ₹1 के लिए आप सबके लिए प्रश्न जाता है, हमारे देश में कितने राज्य हैं? प्रश्न एक बार आपके लिए जाता है जो आप करके आएंगे, हमारे देश में कितने राज्य हैं? ए 26,
बी 27, सी 28 और डी 29। अगर आप सही जवाब जो पहले देगा कल, उसको एक रुपये की राशि हमारे इस कौन बनेगा 10 रुपये पति की ओर से आपको मिलेगा। चलिए आखिरी और 10 रुपये का सवाल हम क्रिस की ओर चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं ये अगला प्रश्न। तो ध्यान से सुनेंगे सभी, आप भी ध्यान से सुनिए। आपके साथ कोई आया है क्या? इधर देखिए, आपके साथ कोई आया है क्या इस गेम को खेलने के लिए, आपके साथ देने के लिए? कौन आया है? आपके साथी में से कोई है? आपके साथी का नाम बताएंगे आप? रोहित, खड़े हो जाइए रोहित जी। बहुत बहुत आपका यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है इस कौन बनेगा 10 रुपये पति में। आपका भी हम स्वागत करते हैं, ताली बजाकर रोहित जी का स्वागत कीजिए। बहुत सुंदर, आप बैठ जाइए। चलिए अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न 10 रुपये के लिए चले जाते हैं क्रिस की ओर और इस कंप्यूटर बाबा की ओर और पूछते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से सुनेंगे आप। चार एक संख्या है, चार एक संख्या है। ए विषम संख्या, बी भिन्न संख्या, सी अभाज्य संख्या, डी सम संख्या। ताला लगा दिया जाए? जोर से एक बार बोलेंगे, कौन सी, किसको लगाएंगे ताला? ऑडियंस को बोलते हुए बोलेंगे डी सम संख्या। ताला लगा देते हैं डी सम संख्या में। अरे 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 अरे, चार एक सम संख्या है और आपने उत्तर चुना है सम। बहुत ही सुंदर जवाब, कौन बनेगा 10 रुपए पति से 10 रुपए जीत कर जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाए, जोरदार। चलिए आप, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो सुनने में देखने में आज आप आनंदित हुए। एक बार सब अपने लिए ताली बजाएंगे।